बड़ो बहु। कितना बड़ा टीवी। इसलिए यहाँ क्या कर रही है? जब तक यो इस घर में से ना यो मन्ने चैंस जी ने ना देवेगी, अगर यहाँ हाथ साफ करना से ना तो पहले तो इसे ठिकाने लगाना होगा। कोमल भाई, तूने यहाँ इकट्ठा तो सबको कर लिया से, अब ये तो बता आखिर होने क्या वाला है? मैं ना आप सबने खेल के नियम बताती हूँ। इस तकिए ने जल्दी जल्दी एक दूसरे को देते जाएंगे जब तक गाना बजेगा, फिर जब गाना बंद होगा तो वो इंसान आउट हो गया और उसने पर्ची में जो लिखा है वही करना पड़ेगा। जो पाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। सॉरी बोल। सॉरी किस खातिर? मैं तो सॉरी बुलवाना चाह रहे हैं, मैं ना बोलती। ए, सुन रे, तू क्या चाहती है? जितने यो सब करने का इनाम मिले हाँ, कौन चुपचाप सॉरी बोल। सॉरी मारी जूती भी ना बोलेगी। जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। दीदी कुछ काम निपटाने हैं, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर। मारे को भी काम से। देखा लक्की जी, इसे शर्म के मारे प्रज्ञा के चेहरे पर लाली छा गई। इब तो वो दोनों सिर्फ थोड़ा बखत बिता रहे एक दूसरे के साथ, फिर भी नजदीकियां बढ़ गई है। इब आप देखना, जब वो दोनों साथ में घर गृहस्थी बसा लेंगे ना, तब उनके रिश्ते में नई जान आ जाएगी। चलो मैं एक बार जाके देखती हूँ कि बसंत पंचमी की पूजा की सारी तैयारी होगी और आप बाबूजी से मिल लो। ठीक से बड़ो देखना ना चाहती या उसे सच्ची में दिखाई ना दे कि उसका भाई वरदान हमारी बहन के संग कैसा व्यवहार कर रहा है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बड़ो को ही बुरा क्यों ना लगे, मैं वरदान का और प्रज्ञा का घर बसने ना दूंगा। और इसके लिए मन ने क्या करना से वो मुझे अच्छे से पता है। आपने मन ने बुलाया दीदी? हाँ जट्टा जी, मैंने आपको जरूर बुलाया से। पर आप मन ने दीदी क्यों बुला रहे? पिंकी जी को भूल कैसे के? दीदी आप मुझे ना गलत समझ रही हो, एक बार आप मेरी बात तो सुन लो। मुंह बंद कर अपना, रिबावली समझ के रखा से के? तू जो बोलेगा मैं वो सुन लूंगी और पिछली गलतियां फिर से दोहराऊंगी। दीदी मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, हजारों गलतियां की हैं, और सबसे बड़ी गलती उस दिन की है जिस दिन मैं प्रज्ञा जी को उस दिन मंडप पे अकेला छोड़ गया था। पर दीदी मैं वापस इसलिए तो आया हूं कि जैसे अपनी गलती को सुधार सकूं। और सच बताऊं तो मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रज्ञा जी मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। दीदी हाँ, और मैं भी प्रज्ञा जी से शादी करना चाहता हूँ। और आपको पता है प्रज्ञा जी वरदान के साथ बिल्कुल भी खुश ना है दीदी। प्रज्ञा जी ने तो लाखा से भी बात कर ली है इस बारे में, और
लाखा ने वादा किया है कि उसकी वो इस मामले में जरूर मदद करेगा। अरे मैडम जी, उनके तो दो बेटे हैं और दोनों बड़े बड़े पहलवान हैं। और रघुवीर भाई साहब की तो बातें मत पूछो मैडम जी, वो तो पिछले साल का कुश्ती में डट जाता हूँ। डट जा, तू तो पूरा फैन हो रहा है उनका। इतिहास ना पूछा मैंने तेरे पे, उनका पता पूछा था। लाग रहा है उनका गुणगान कर, माफ कर, गलती होगी। अरे सुनो मंडी, तो एक बात बताना भूल गया तन्ने। देख ये सड़क पकड़, छोड़ियो ना और दाएं बाएं घूमे बिना बस सीधा चलती जाइयो, चलती जाइयो, चलती जाइयो। और जहां पे ये सड़क खत्म होवे ना, वहीं पे एक बड़ा सा बंगला दिखेगा तन्ने। अच्छा। बस वही होगा अलावत निवास। बोल दिया तेरा, बहुत मेहरबान। इतने विस्तार से पता बताया ना कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में होती सीधा अलावत निवास पहुंचती। धन्यवाद अलावत निवास। प्रज्ञा तू चिंता ना कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। तू बेकार में इतनी परेशान हो रही से। भाई मैं जाने हूं कि आप सब संभाल लोगे, पर अगर हमारे को नए घर में भेज दिया तो आप क्या करोगे? आपने पता है ना कि बाबूजी और चाचा जी हमारे को किसी भी वक्त वो घर में भेज देंगे। हमारे को बस यही डर है कि आप पिछली बार की तरह अगर चाह के भी हमारा साथ ना दे पाए तो मैं क्या करूंगी? मैं सारी जिंदगी ना वरदान जी के संग अटक जाऊंगी भाई। उससे पूरा क्या होगा हमारी जिंदगी में? आप हमारा आखिरी सहारा हो भाई, और आपको जल्दी से कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। पावली ऐसा कुछ भी ना होगा, मैं हूं ना तारे संग। लकी जी मैंने आपसे कुछ बात कर, अरे प्रज्ञा तू भी आए? जी भाभी। अच्छा प्रज्ञा, वो ना तन्ने ताई जी ढूंढ रहे थे, तो एक काम कर तू उनके पास जाकर आ और मैं तेरे साथ बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा हुआ आप मेरा इशारा समझ गए लक्की जी, प्रज्ञा होती तो उसका पूरा सरप्राइज ही खत्म हो जाता। दरअसल मैंने बात यो करनी थी ना कि आप जाके एक बार देख लो कि घर की मरम्मत कैसी चल रही है। मैं भी जाती आपके साथ, लेकिन मन ने ना उनके नए घर की सामग्री लेने जाना है, तो आप चले जाओगे? ठीक है मैं जाऊंगा। ठीक है लक्की जी। पराए मर्दा को तू अपने घने दोस्त ना समझा करे, और मारा जो राणा है ना उसने भी भाई बोल तो छोरी इब तू अच्छी तरह समझ गई ना? क्यों ना आएगी भाभी, ये जो तितली है ना हमारे राम भाई साहब की घड़ी समझदार छोरी है। मैं तितली हूँ पर यह कौन सी तितली है जो मेरे नाम से उड़ रही है? ओ बड़ो तू आ गई के? बहन जी अब कौन और किससे मिलना? टीका का बच्चा मेरे घर में पैर पसारे पड़ा हुआ है, मैं उसके लिए खाने बना रहा हूँ, तिमारदारी कर रहा हूँ, उसकी जी हुजूरी कर रहा हूँ। अंगूरी भी तो देखिए एक नंबर की पगलेट है, उसे फल पे फल खिलाई जा रही है। हमारी बीवियाँ इतनी बड़ी इमोशनल फूल क्यों हैं? आप बहुत सही कह रहे हैं, अगर भभूति समय रहते इन्हें घर से नहीं बाहर निकालेगा ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। और विभू मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हूँ? यही कि तुम टीके को घर से निकालने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। और लड़के भैया आप मलखान को निकालने का तैयारी कर रहे हैं? हां आई थी, आप कितने भेंट लॉस हैं। वो हार्टलेस होता है बगली। अपने पूर्व जन्म कालनेमी की मृत्यु का रहस्य जानने के पश्चात कंस भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने का प्रण करता है। अब नाश होगा अधर्म का और शंखनाद होगा धर्म की स्थापना का। ठेकेदारी का जो सारा काम है ना वो देवर जी और विश्व संभाल ले, अनुराग को जो है वो लंदन ही भेज देते हैं। बट हम चाहते हैं कि तुम लंदन वापस लौट जाओ। हमको ना गलत मत समझो माँ,
दरअसल हमने आपसे एक बात छुपाई। मतलब बात ये है कि मैं और रागिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों वो झगड़े का सिर्फ नाटक कर रहे थे।